अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? खैर, मार्वल के व्हाट इफ के सीजन 2 की एपिसोड 7 का रिव्यू करने वाला हूँ। हाँ, इसके एपिसोड 7 आ चुके हैं, जहाँ असल में इस एपिसोड का क्या नाम है, व्हाट इफ हेला फाउंड द टेन रिंग्स। क्या हो अगर हेला टेन रिंग्स को फाइंड कर ले, उन्हें ढूंढ ले। जहाँ इस एपिसोड के स्टार्ट में तुम्हें असल में क्या देखने मिला कि हेला को कभी ओडिन ने कैदी नहीं किया। ओडिन ने क्या किया, ओडिन ने उसको अपने साथ रखा, उसी के साथ मिलकर जंगें लड़ी और जीती। लेकिन हमारे पास जो हेला है उसको और ज़्यादा पावर चाहिए, इस और ज़्यादा पावर की लालच है, जिस वजह से वो किसी तरीके से बदतमीजी वगैरह करती है ओडिन से और ओडिन को गुस्सा आता है। अंदर वो एनिमेशन मुझे पसंद आई, तुम्हारा मुझे पता नहीं है। थॉर 1 वाली झलक तुम्हें इस वटिफ की इस एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगी। थोड़ा म्योनी छीन लिया गया था, उससे पावर्स वगैरह छीन ली गई थी, एक अलग पर्सपेक्टिव से तुम कह सकते हो। इस बार हमारे पास जो कुछ गलत करिए वो हेल है, जिस वजह से सेम झलक तुम्हें थॉर 1 वाली देखने को मिल जाती है। उसमें थॉर था जो सब कुछ उससे छीना जाता है, लेकिन इस बार हमारे पास सेम वही चीज़ हो रही है, लेकिन इस बार हेला के साथ। तुम ये चीज़ कह सकते हो, उस बार हमारे पास थॉर के पास उस वक्त म्योनिर था, म्योनिर हेला के पास है, वो टूट जाता है क्योंकि ओडिन उसको तोड़ देते हैं। इस एपिसोड की ड्यूरेशन अराउंड तुम कह सकते हो 28 से 29 मिनट की, जो तुम कह सकते हो मैक्सिमम है, जितनी है अच्छी है। उससे आगे कहानी लेकर चलें तो यह था कि वो जो हेला है, हेला के हेलमेट के ऊपर हमारे पास जो ओडिन है वो स्पेल कर देते हैं, जैसे मूवीज में उन्होंने उसके थॉर के हथौड़े पे किया था, उसको फेंक देते हैं। वो आगे चल के वेनवू के पास उन लोगों को मिलता है, उनके पास गिरता है, और जब वेनवू के पास पहले से टेनिक्स मौजूद हैं, उसके बाद उसकी नीयत खराब होती है, वो किसी तरीके से उस हेलमेट को भी हासिल करना चाह रहा होता है। हेला अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वो वर्दी नहीं है, तो वो अपने हेलमेट को उठा ही नहीं पाती। वो हेला को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उससे फाइट्स वगैरह के लिए कोलैब करता है। हेला वो वेनवू को डॉच करती है और वहाँ से भागती है, और भागते भागते हमें देखने मिलता है वो आगे चल के शेंगची की माँ, जो मूवी में शेंगची की माँ थी, उसके खानदान वालों से मिलती है और वहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है और ट्रेनिंग हासिल करती है। तो मैं कह सकती हूँ वो जब वापस आती है तो वो टेन रिंग्स के ग्रुप का हिस्सा बन जाती है, और उस वक्त तक ओडिन के पास हमारा हेमडल जाता है और कहता है मामला संगीन हो चुका है, मैं अब हेला को ढूंढ नहीं सकता, तो आपको जाना पड़ेगा मामला संभालने के लिए। तो इस सब चीज़ों को रोकना चाह रहे होते हैं, वो वापस आते हैं, लेकिन हमारे पास जो ओडिन है उनके खिलाफ हो चुकी थी हेला। उससे आगे कहानी लेकर चलो तो हमारे पास ये आता है कि हमें जो ओडिन और टेन रिंग्स और वो हेला वाली फाइट देखने को मिलती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगी। एंड में जो है हमारे पास जो हेला है वो तुम कह सकते हो अपनी एक अल्टीमेट फॉर्म के अंदर आ जाती है, प्लस हमारे पास जो ओडिन है वो हार मान लेता है, अपनी लीगेसी खत्म कर दी, आगे लीगेसी अपनी फॉरवर्ड कर दी जो कि उसने हेला के हवाले कर दी, उसने हार मान ली थी। तुम ये कह सकते हो हमें गमोरा और थैनोस नजर आते हैं, और वेनवू अपनी पूरी आर्मी के साथ, और हमारे पास वो सबको लीड कौन कर रहा है, हमारे पास वो लीड करने वाली है हेला। और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है, और वो सारे जो पूरा ग्रुप आ रहा है, पूरा लश्कर आ रहा है, वो असल में अटैक करने के लिए तैयार है। ये तो सब कुछ इस एपिसोड के अंदर, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। ये तो सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलने मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स, अल्लाह हाफिज़।